बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पास मैं ली हूँ 300 ग्राम के करीब पनीर। इसे मैं स्क्वायर में कट कर दी हूँ। आपको अगर ट्रायंगल में कट करना चाहती हैं वैसे भी कर सकती हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, बड़ा छोटा जैसे कट करना आप कट कर सकती हैं। छौंक लगाने के लिए मैं यहाँ पास 1/2 टीस्पून ज़ीरा ली हूँ, 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, 1 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 टेबल स्पून भर कर मैं ली हूँ दही, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट। एक बड़े साइज़ के प्याज को मैं डाइस में कट कर ली हूँ और एक बड़े साइज़ के शिमला मिर्च को भी मैं डाइस में कट कर ली हूँ। 4 से 5 मैं पनीर को अलग हटा के रखी थी, इसे मैं पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पास मैं ली हूँ 8 से 10 काजू, 1 हरी मिर्च, इसे मैं 20 से कट कर दी हूँ। एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैं रफली चॉप कर दी हूँ, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और एक बड़े साइज़ के प्याज को मैं स्लाइस में कट की हूँ, इन सबको मैं फ्राई करके पेस्ट बना। गार्निशिंग के लिए मैं 1 टेबल स्पून के करीब ली हूँ धनिया पत्ती, इसे मैं बारीक कट कर ली हूँ। 1 टीस्पून मैं ली हूँ कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून ली हूँ मैं मलाई, दूध की जमी हुई मलाई है। अगर आपको फ्रेश क्रीम यूज़ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून मैं ली हूँ यहाँ पास शुगर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं शुगर। अगर आपको 1 टीस्पून लेना तो ले सकते हैं, या फिर आप स्किप करना चाहती हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पास दूध ली हूँ 1 कटोरी, जितना ज़रूरत होगा उसी हिसाब से दूध का हमें यूज़ करना है। चूल्हा हमारा ऑन है, चूल्हे पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल दे दूँगी। आप चाहे तो बटर में बनाना चाहते हैं तो बटर में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे तेल में बना रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल का बस हम इतना गर्म करना है कि इसके तेल का जो कच्चेपन का स्मेल है वो निकल जाए। तो अब हम इसमें फ्राई कर देंगे, शैलो फ्राई करेंगे हम इसे पनीर। तो सारे पनीर के क्यूब्स को इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है हमें। तो यहाँ पास पनीर को हम शैलो फ्राई कर लिए हैं, अब हम पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पनीर को मैं निकाल ली हूँ। अब इस बचे हुए तेल में हमें शैलो फ्राई कर लेना है कैप्सिकम को और प्याज को, जो हम इन दोनों को डाइस में कट किए थे, इसे हमें शैलो फ्राई कर लेना है। हमें बस इतना फ्राई करना है जो प्याज जो है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाए, बस इतना ही फ्राई करना। तो यहाँ पास शिमला मिर्च और प्याज को जो हम शैलो फ्राई किए थे वो फ्राई हो चुकी है। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना था, बस हल्का सा कलर चेंज करना था, बस हल्का पिंक कलर में आ जाए उतना ही हमें फ्राई करना था ट्रांसपेरेंट टाइप का। तो ये हो चुका है फ्राई, तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। सारे शिमला मिर्च और प्याज को एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तो तेल हम 1 टेबल स्पून के करीब डाल रहे हैं। आप याद रखिएगा कि आपको सरसों तेल में पनीर नहीं बनाना है। पनीर जब भी बनाइए तो रिफाइन तेल में बनाइए या फिर ऑलिव ऑयल में बनाइए, या अगर आपको बटर में बनाना है तो आप बटर में भी बना सकती हैं। और बटर और तेल दोनों मिक्स करके बनाना है कि हाफ बटर लिए और हाफ तेल, तो वैसे ही बना सकती हैं, लेकिन सरसों तेल का हमें यूज़ नहीं करना है। तो अब हम स्लाइस में जो कटी हुई प्याज रखे थे एक बड़े साइज़ की, उसे भी डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे हम, बस इसे गोल्डन फ्राई करना है हमें। यहाँ पास प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, जैसा हमें फ्राई करना था उसी तरह का हो गया, ये गोल्डन फ्राई हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे प्याज को हम फ्राई करके निकाल लिए हैं। यहाँ पास मैं एक छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडर ली हूँ, अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और फ्राई की हुई जो प्याज है वो भी मैं डाल दूँगी। साथ में इसे मैं डाल दूँगी हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च मैं ली, इसे मैं तोड़ ली हूँ। और काजू जो मैं ली थी वो भी डाल दूँगी इसमें, और साथ ही इसमें जाएगा पनीर के क्यूब्स थे वो भी इसे मैं डाल दूँगी। पनीर स्किप मत कीजिएगा, उससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए पनीर भी ज़रूर से ऐड करें। अब मैं इन सब का एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। तो मिक्सर जार में मैं सबको डाल दी हूँ, अब इन सबों का मैं एक फाइन सा पेस्ट बना लेती हूँ। अब हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून के करीब। अगर इस स्टेज पर तेल की ज़रूरत महसूस होगी तो आप डाल सकती हैं। तो तेल की ज़रूरत मुझे महसूस हुई इसलिए मैं डाल देती हूँ।
और साथ ही से मैं डाल दूंगी सारे खड़े गरम मसाले, इसे मैं अच्छे से चटका लूंगी। सारे खड़े गरम मसाले जो हैं वो अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इसमें साथ ही में सारे पाउडर मसाले डाल देंगे और अदरक पेस्ट जो मैं ली थी वो भी डाल देते हैं। अगर आप अदरक पेस्ट का यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो बारीक कटे हुए अदरक का यूज़ कर सकती है, मैं यहाँ पास पेस्ट का यूज़ की हूँ। और सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ और जो मैं पेस्ट बनाई थी प्याज और टमाटर और काजू इन सब का, तो वो सभी मैं इसमें साथ ही में डाल दूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं तले में, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पास पेस्ट बन गया है हमारा, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना है। तो सारे पेस्ट को मैं इसमें मसाले में डाल देती हूँ और इसे भून लेती हूँ 7 से 8 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर हमें भूनना है और इसे कवर करके ही भूनना है। अगर आपको यहाँ पास पानी ऐड करना हो तो कर दीजिएगा, मैं यहाँ पास थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मिक्सर जार में थोड़े से मसाले बचे हुए थे तो उसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल करके सारे मसाले को पानी में ले ली थी। अब मैं वो पानी जो है मिक्सर वाला वो इसमें मैं डाल देती हूँ। तो अब हम इसमें दही डाल दे रहे हैं, 1 टेबल स्पून के करीब दही डाल दी हूँ मैं इसमें। और ऊपर ऊपर ही पहले हम मिक्स करेंगे, अगर एक साथ मिला देंगे पूरा तो फिर क्या होगा, दही फटाफटा रह जाएगा। और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, या फिर आप गैस ऑफ करके यहाँ पास दही दीजिएगा। लेकिन मैं गैस का फ्लेम लो रखी हुई थी तो मसाला हमारा ज़्यादा गर्म नहीं था तो इसलिए दही फटा नहीं, हमें धीमे ही आँच पर देना रहता है। ज़्यादा मसाले गर्म रहते हैं तो उससे क्या होता है कि दही फट जाता है, तो हम धीमे आँच पर ही दही ऐड कर दिए हैं इसमें। सबको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और अब हम इसे कवर कर देते हैं और 7 से 8 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेते हैं, जब तक कि तेल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। 8 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से भुना है या नहीं। तो ये देखिए तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कच्चेपन की स्मेल जो है वो निकल गई है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकती हैं, वरना आप इसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पास डाल रही हूँ। हम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो उसमें कलर होता है थोड़ा, इसलिए हम इसमें कलर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कलर ऐड किए हैं, बस थोड़ा सा ऐड किए हैं रेड फूड कलर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं सारे मसाले में। इसे देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लगता है और रेस्टोरेंट में कलर का यूज़ होता है इसलिए हम कलर ऐड किए हैं। लेकिन अगर आप घर के लिए बना रही हैं या फिर बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप फिर कलर स्किप कर दीजिएगा। तो अब हम इसमें डाइस में कटी हुई जो शिमला मिर्च और प्याज थे उन दोनों को डाल देते हैं। तो शिमला मिर्च और प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं मसाले में। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। सारे पनीर को मैं मसाले में डाल दी हूँ, अब इसे मिक्स कर लेंगे। हमें हल्के हाथों से इसे मिक्स करना, नहीं तो फिर पनीर टूटने लगेंगे। देखिए सारे पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं हल्के हाथों से, तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। इसे हाथों से क्रश करके ही हमें डालना है। पूरी में हम कसूरी मेथी से अच्छे से डाल देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे ग्रेवी लगाने के लिए। तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा खाना है, ज़्यादा पसंद करती हैं तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मैं यहाँ पास ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई हूँ। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, अगर आप डालना चाहती तो डाल सकती हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकती हैं, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं दे रही हूँ। और वैसे भी रेस्टोरेंट में शुगर का यूज़ होता है तो इसलिए हम शुगर दे रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बना रहे हैं इसलिए। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे मलाई। अगर आप फ्रेश क्रीम का यूज़ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पास घर की मलाई ले रही हूँ। 1 चम्मच मैं डाल दी हूँ बड़े चम्मच से। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर दिए हैं और कढ़ाई पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार है। तो आप इसे रोटी